बेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के सभी पदाधिकारियों को सादर नमन है। हालांकि इस समिति के हम भी पदाधिकारी हैं। चार पंक्तियां मैं अपने गीत के माध्यम से समर्पित कर रही हूं और एक धुन आई थी बहुत पहले, कौन सी? ये दौलत तुम्हारी जाना पहचाना है। कभी गम न देना, कभी गम न देना खुशी देने वाले, कभी गम न देना, अरे कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। ये हमारे परम सम्मानी आदरणीय दादा जी, हमारे पूजनीय आदरणीय दादा श्री माता दीन विश्वकर्मा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, दादाजी के कर कमलों के माध्यम से ये बहुमूल्य आशीर्वाद 101 पत्र मुद्राओं के रूप में प्रदत्त हो रहा है। सदा ना रहा है, भैया हमारे योगेंद्र बुंदेला जी, भैया की तरफ से 101 मुद्राओं का आशीर्वाद पुष्पमाल प्रदत्त हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है मेरी ओर से।
तो चंद पंक्तियां दादाजी के चरणों में समर्पित कर रही हूं और कहना है मेरी ओर से बुंदेली कीर्तन के सभी कलाकारों ने अपने अपने माध्यम के द्वारा परिचय दिया कि आदरणीय दादाजी का साथ सहयोग उनको कितना मिला। हमारी नीलम जी भी बता रही थी कि उनको भी दादाजी का सानिध्य प्राप्त हुआ। हालांकि मेरा इतना सौभाग्य नहीं रहा है कि मैं उनके दर्शन कर पाती, लेकिन ये मेरा परम सौभाग्य है जो इस पावन दरबार में उनके श्री चरणों में कुछ कहने का मुझे मौका मिल रहा है। बुंदेली कीर्तन कला के गुणागर। आदरणीय दादा श्री मैयादीन तिवारी जी कि बुंदेली कीर्तन कला के गुणागर साहित्य का ये सागर। आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी गायकी के माध्यम से बहाया अगम साहित्य का ये सागर। आज यहाँ आने के बाद ये माहौल देख करके उनकी ये दिव्य प्रतिमा देख करके मुझे ऐसा लग रहा है भैया ऐसा लग रहा है कि सुमन में चमन या दादा सुमन में चमन या चमन में सुमन है तो बुंदेली कीर्तन कला के गुणागर बहाया अगम कीर्तन का ये सागर। ऐसा लगा अरे सुमन में चमन या सुमन में चमन या चमन में सुमन है सुमन में चमन या चमन में सुमन है। तो आज ये राखी कह रही है अरे कलम के सिपाही नमन है नमन कलम के सिपाही नमन है नमन धन्यवाद है। ये हमारे जिला जालौन उरई से पधारे हुए एक सक्षम अच्छे कलाकार भैया हमारे नंद किशोर निराला जी, आपके माध्यम से भी 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हुआ है। वाह ये एक बार तालियां हो जाए मैं पप्पू भैया के लिए। क्या बात है क्या बात। ये बहुमूल्य 500 मुद्राओं का आशीर्वाद और एक पुष्पहार हमारे पप्पू भैया के माध्यम से प्रदत्त हो रही है, जिनका केवल एक नहीं सारे कलाकारों को उनका स्नेह सानिध्य प्राप्त होता रहता है। सरकार के चरणों में नमन कर रही हूं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये हमारे बुंदेलखंड के एक सशक्त हस्ताक्षर जिनको कहा जाए, जिन्होंने लेखनी की दुनिया में अपना अलग परचम लहराया है, आदरणीय हमारे दादा श्री विनोदी जी, आपके कर कमलों से ये बहुमूल्य 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। हृदय से नमन कर रही हूं। कहा गया चमन में सुमन सुमन में चमन या चमन में सुमन है सुमन में चमन या चमन में
दादाजी का प्रेम स्नेह उनको प्राप्त हुआ, सानिध्य प्राप्त हुआ। तो जहां तक मेरा मानना है, सुने आप लोग, अजर है अमर है शरीर रूप में हमारे आपके साथ नहीं है, लेकिन जब जब भी जहां जहां भी जब किसी कार्यक्रम का आयोजन होता है और उनको याद किया जाता है, तो ये मेरा अपना मानना है कि वो किसी ना किसी रूप में यहाँ आते जरूर हैं। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल। इसलिए अजर है अमर परिवार, सुघर है मनोहर जो बागडोर हमारे सम्मानी भाई साहब देवेंद्र तिवारी जी ने संभाल ली है, तो इसलिए मैं पंक्ति जोड़ रही हूँ क्या, सुरक्षित अभी तक, अरे सुरक्षित अभी तक कीर्तन रतन है, अरे सुरक्षित अभी तक, सुरक्षित अभी तक वो कीर्तन रतन है, कलम के सिपाही नमन है नमन है। परम पूजनीय आदरणीय दादाजी हमारे श्री राजेंद्र अवस्थी जी, आपके माध्यम से ये बहुमूल्य 100 मुद्राओं का आशीर्वाद है। हमारे आदरणीय अवस्थी जी जो स्वयं में एक अच्छे गायक हैं और अच्छे रचनाकार हैं, दादाजी के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और हमारे दादा श्री माता दीन विश्वकर्मा जी जिनके साथ में जो लेखनी का कार्य करते हैं, परम सम्मानी हमारे आदरणीय वकील साहब हमारे आदरणीय श्री जलज जी, आपके कर कमलों के माध्यम से भी ये बहुमूल्य आशीर्वाद 101 मुद्राओं का प्रदत्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। सुने कला कीर्तन का दादाजी ने, कला कीर्तन का सवारा चमन है, अरे कला कीर्तन का ये सवारा चमन है, कलम के सिपाही नमन है नमन। और जैसा कि दादा के श्री चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित कर रही हूँ, है श्रद्धांजलि में अशोक ने ये सौभाग्य पाया। आज के दौर में जहां पर आप लोग जानते हैं कि आजकल की संतानें कैसी होती जा रही हैं,
माता पिता अगर वृद्ध माँ बाप अगर वृद्ध हो जाते हैं तो कुछ लोग आजकल हमारे समाज में ऐसे भी पाए जाते हैं, कैसे बेटे कैसे, अगर उनके चार मित्र मिलने वाले आ गए तो उन चार लोगों के सामने अपने माँ बाप को लाना पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग तो कहते जाओ अंदर वाले कमरे में लेट जाओ और जब तक हमारे दोस्त चले ना जाए बाहर ना आना। कौन लोग हैं तुमको सामने लाने में, पता नहीं कितनी बेइज्जती हमारी होती है। ऐसे ऐसे लोग भी हमारे समाज के अंदर हैं, लेकिन परम सौभाग्य है और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं ऐसे सपूत सम्मानी हमारे देवेंद्र भैया और अशोक भैया, जिन्होंने आज भी अपने पिताजी की याद को हम सभी के दिलों में और अपने दिलों में संजो के रखा है। तो मेरा कहना है श्रद्धांजलि साज ये सजाया देवेंद्र अशोक ने ये सौभाग्य पाया। तिवारी जी से बस यही कामना कर रही हूँ क्या क्या के स्वीकारो राखी का, अरे स्वीकारो राखी का अभिनंदन है। तो स्वीकारो राखी का अभिनंदन है, कलम के सिपाही नमन है नमन, कला कीर्तन का ये, कला कीर्तन का ये सवारा चमन है, कलम के सिपाही नमन है नमन, कलम के सिपाही नमन है। धन्यवाद।